ये है दिल्ली दर्पण। रोते बिलखते हुए कैमरे पर अपनी आप बीती बयां करती हुई दिखाई दे रही ये बीकॉम सेकंड ईयर की वही पीड़ित दलित छात्रा है जिससे उसके बॉयफ्रेंड दीपक ने मिलने के बहाने अपने घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद आरोपी ने इसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद मामले की शिकायत किसी को करने पर इसे जान से मारने की धमकी दी। पलवल जिले के एक गांव में रहने वाली छात्रा जैसे तैसे अपने घर पहुंची और अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई। पीड़िता की माने तो अपने परिजनों के साथ जब उसके घर वाले दीपक के घर पहुंचे तो दीपक के घर वालों ने उसके परिजनों के साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने बताया जब वो मामले की शिकायत करने महिला थाने पहुंची तो वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई और जब FIR दर्ज हुई तो उसके साथ थाने में दो महिला पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और इसे भद्दी भद्दी गालियां भी दी। पीड़िता आरोप लगा रही है कि आरोपी दीपक का मामा पुलिस में है जो उन पर लगातार दबाव बना रहा है जिसके चलते उन्होंने अपना गांव भी छोड़ दिया है। पीड़िता गुहार लगा रही है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला और आरोपी को सजा नहीं मिली तो वो आत्महत्या कर लेगी। के लड़के ने रेप किया है और मैं चाहती हूँ कि उसे सजा दी जाए। मुझे यहाँ डोलते डोलते पुलिस स्टेशन जाते जाते 4 दिन हो चुके हैं बट मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कल मुझे वहाँ मेडिकल के लिए भी ले जाया गया, वहाँ भी उन्होंने ये बोल दिया, उस लड़के के मामा है वो पुलिस में है, ये बोल दिया कि जितना तुझे जो कुछ करना है वो कर लो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा पुलिस मेरे एवज में है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही होगा। और वो पुलिस वाले ने एक दो मैम थी, एक कमलेश मैम थी और एक कविता मैम थी, उन्होंने मुझे अलग कमरे में ले जाके पीटा भी था, घूसे भी मारे थे और थप्पड़ भी मारी थी बदतमीजी की, बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी थी और मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आप झूठा आरोप लगा रहे हो उस लड़के के पास। उस लड़के वालों ने कहा था कि आप चमार हो, कुछ नहीं कर सकते, हम पंडित हैं, कुछ भी हो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा हमारा, कितनी भी दूर दूर तक भाग लो कुछ भी कर लो। गांव का रोता सरपंच है और हमारे खजूर के का और चेयरमैन भी है, उन्होंने भी ये बोल दिया कि हम इनके साथ हैं, जो कुछ हम करेंगे वैसा ही होगा, तुम कितना भी भाग लो कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। और मैं नहीं चाहती, मुझे यहाँ 4 दिन हो गए इस तरह से डोलते डोलते मारने की धमकियाँ दी है उस लड़के के मामा ने, वो जो पुलिस में है, इस डर की वजह से हमारा घर छूट गया, बाहर छूट गया, जाए तो जाएगा, मरने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा हमें, इससे तो बढ़िया है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, यही सब कुछ है। तो ये मेरी बच्ची है एक राखी नाम की, उसके साथ ऐसा केस हुआ है जो जी हमने जीवन में नहीं देखा, पहली बार हमारे साथ में ये हुआ है। अब हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, वहाँ के बाद में हम पहुँचे, हमने कही हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस में जाकर उसका मामा मिला था वहाँ पुलिस से, उसका मामा भी पुलिस में ही, हमको मालूम नहीं थी। उसका मामा बोला तुम क्यों आई हो यहाँ पर, हमने कही फलाने गांव का लड़का है, उसका मामा लिख रहा हूँ, उसके मामा ने कही है तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं अच्छा नहीं होगा, यहाँ से चले जाओ यहाँ अच्छा नहीं होगा। हमने कही क्यों भाई, हम रिपोर्ट करने आए हैं हमारे बच्चे के घर में ऐसा किया, उन्होंने कही किया था क्या होगा, है तो हमारा ही लड़का लड़की है, अपनी ले जा अपने घर पर, नहीं तो अच्छी नहीं होगी, बहुत बुरा हाल कर देंगे आपको, आपका आपकी लड़की का, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है और कुछ बिगड़ा भी नहीं है, यहाँ सोच लेना, अगर कदम भी रख दिए तो तुम्हें जान से मार देंगे दोनों माँ बेटी को। वही मामले की जांच कर रही महिला थाना की SHO इंदु बाला की माने तो पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसका मेडिकल भी करवा दिया गया है। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, निराधार बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं मेरे स्टाफ पे भी, और क्योंकि मेरे सामने ही मुकदमा दर्ज हुआ है, स्टेटमेंट लिखवाई है, लड़की की मदर और लड़की विक्टिम है दोनों ही यहाँ, तो मैं भी थी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो आरोपी जो है दीपक, आपने अरेस्ट कर लिया है? अमन साहब जो रिसिप साहब है उनके पास तफ्तीश है और आगे तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि जो मुदैया है विक्टिम है उसको 164 के बयान होने होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो 2 बार उसके लिए नोटिस दिया गया, उसकी मदर से भी करीब 2:30 बजे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में आती हूँ, तो वो 164 के बयान के लिए नहीं आई, हम रात तक वेट करते रहे और प्रोसीडिंग आगे नहीं हो पाई। दिल्ली दर्पण TV के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर